राजधानी शिमला के सरकारी राशन के डिपो में आटा व चावल में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। जहां प्रदेश सरकार राशन वितरण को लेकर लोगों को खुश करने में लगी है, वहीं कीड़े वाला राशन वितरित कर गरीब लोगों के साथ मजाक कर रही है। हाल ही में प्रदेश के चंबा जिले के चराग क्षेत्र के डांड गांव के डिपो से मिलने वाली दाल में कीड़े निकलने का मामला सामने आया था। यहाँ पर सरकारी राशन के डिपो में मूंग की दाल, जिसे कि राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दी जा रही थी, एक तो ये दाल खुली थी और दूसरा इसमें दाल कम और कीड़े ज्यादा दिखाई दे रहे थे। जब इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक श्रवण कुमार हिमालय से बात की तो उन्होंने अपने अधिकारियों को डिपो से राशन के सैंपल लेने को कहा। जैसे आपने मेरे ध्यान में जो मामला लाया है, तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सभी उचित मूल्य की दुकानों को निर्देश जारी किए हैं कि जब भी वो थोक गोदाम से राशन प्राप्त करते हैं तो उसकी क्वालिटी को चेक कर लें। अगर फिर भी उनके पास कोई खराब सामान आता है तो उसका वितरण जो है वो उपभोक्ताओं को ना करें, उसकी जो जानकारी है वो विभाग को इमिजिएटली दे दें, ताकि विभाग जो है उस सामान को संबंधित थोक गोदाम से जो है रिप्लेस करवा सके, और जहाँ से भी ये खराब सप्लाई आई है, जो भी सप्लायर है, उसके विरुद्ध जो है विभाग जो है उचित कार्रवाई करता है। हाँ, इसमें जो हमने इमिजिएटली जो है इंस्पेक्टर को निर्देश जारी किए हैं कि वो विकास नगर में जाके जो है आटे और चावल के जो है सैंपल को भरेगा। आज की डेट में जैसे जो हमारी दालों की स्थिति है, वो हमारे थोक गोदाम में जो दालों की सप्लाईज आनी शुरू हो गई है, भट्टा कुफर में आज ही हमारे पास जो दालें पहुँच चुकी है। इसी तरह जो जिला के अन्य जो थोक गोदाम है वहाँ पर भी जो है भरपूर मात्रा में खाद्यान्न हमारे पास उपलब्ध है। अगर कहीं से इस प्रकार की कोई शिकायत आ रही है कि खाद्यान्न नहीं है, तो उस पर विभाग जो है तुरंत कार्रवाई करता है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।